हिंदी के लिए सब्सक्राइब करें और नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदी क्लासेज में। और हमारी अलंकारों की कक्षा चल रही थी। अलंकारों के अंदर आज हम पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है, इससे भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं इस अलंकार से भी, वह है विभावना अलंकार। आप इसकी परिभाषा को समझें, फिर उदाहरणों के माध्यम से हम इसको समझेंगे और अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपकी। विभावना अलंकार, जिस काव्य पंक्ति में कारण के न होने पर भी, जिस काव्य पंक्ति में कारण के न होने पर भी कार्य उत्पत्ति की विशिष्ट कल्पना की जाती हो, कारण नहीं है उसके बावजूद कार्य की उत्पत्ति की विशिष्ट कल्पना करते हैं हम, या यूं कहें साधन के न होने पर भी कार्य पूर्ण हो रहा हो, वो साधन तो नहीं है लेकिन उस साधन के अभाव में भी वो कार्य की पूर्णता हो रही, कार्य पूर्ण हो रहा हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार। इसमें किन वाचक शब्दों के माध्यम से भी हम विभावना अलंकार को पहचान सकते हैं वो भी हम देखेंगे। उदाहरण देखते हैं, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। हमने क्या देखा कि साधन के न होने पर भी कार्य पूर्ण हो रहा हो। यहां देखो बिनु पद, बिना पैरों के भी चलने का कार्य हो रहा है, तो चलना क्या हो गया यहां पर कार्य, और बिनु पद ये यहां पर कारण हो गया। बिना पैरों के कारण भी क्या हो रहा, चलने का कार्य हो रहा है, और सुनना क्या कार्य हो रहा, सुनने का, और बिनु काना, कानों के बिना भी सुनने का कार्य हो रहा है। तो जहां पर साधन नहीं हो फिर भी कार्य पूर्ण हो रहा हो, या यूं कहें कारण के न होने पर भी कार्य उत्पत्ति की विशिष्ट कल्पना की जाती हो, वहां पर कौन सा होगा? विभावना अलंकार। तो बिना पद बिनु पद चले सुने बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे, हाथों बिना कर्म विविध प्रकार के कर्म किए जा रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, बिनु कलम छात्र लिखत रहे, बिना कलम के लिख रहे हैं, लिखने का कार्य हो रहा है और जो कारण है वो भी नहीं है। अगला उदाहरण देख, शीतल चंदन लगे जरावन गात, चंदन तो शीतल है और लगे जरावन गात, यहाँ शरीर है जो जल रहा, बिना आग के शरीर जल रहा है, बिना आग के शरीर जल रहा है। तो यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि बिना कारण के ही, या यूं कहें बिना साधन के ही कार्य जहां पूर्ण हो रहा हो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? विभावना अलंकार। और अगर वाचक शब्दों की बात करें तो हम कह सकते हैं काव्य पंक्ति के अंदर, काव्य पंक्ति में प्राय बिनु न रहित, ये वाचक शब्द जहां आ जाते हैं वहां पर कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार। धन्यवाद दोस्तों, आगे की कक्षा में और किसी अलंकार की बात करेंगे। अगर आपको हमारी ये कक्षाएं पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और अभी तक भी आपको ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा लें ताकि जब भी नया वीडियो डालें उसकी सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।